Assalamu alaikum dear guys, I hope all of you will be fine. So in this class we will discuss next lecture of English course. So this is you can see that this is lecture 7. So इसमें हम क्या करेंगे, इसमें डियर्स पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने होमवर्क दिया था मैंने इन द प्रीवियस क्लास, तो उसको पहले हम जो है ना वो देखते हैं कि क्या कैसे था. और आप देख सकते हैं जो आपने फिक्रियात सेंटेंसेस किए थे उनमें से ये आपने कितने में क्या कितने आपके सही हैं और क्या आपकी मिस्टेक्स हैं. तो लेट्स स्टार्ट. देखें, फर्स्ट आपके पास था फिक्रा नंबर, सेंटेंस नंबर 1 था, डू यू वॉच टीवी. तो इसको हमने ऐसे देखना है, यस यस आई और वी वॉच टीवी. अगर इसमें ऐसा होगा कि अगर आप जिससे पूछा जा रहा है वो भी शामिल है, वो मतलब एक है बंदा, तो वो कह देगा यस आई. अगर वो एक से ज़्यादा है तो फिर वो बता देगा कि यस वी वॉच टीवी. और अगर वो नहीं वॉच करते तो फिर आ जाएगा नो आई और वी डोंट वॉच टीवी. इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं सेकंड सेंटेंस में, जो कि 2 है, डू दे लर्न इंग्लिश. डू दे लर्न इंग्लिश, तो इसमें आ जाएगा यस दे लर्न इंग्लिश. हमने देखा था कि ये जो दे है, ही है, शी, इसको चेंज नहीं करना, चेंज नहीं करते. और सिंगुलर नेम जो होता है वो भी थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता. नो अगर नहीं तो फिर दे नो दे डोंट लर्न इंग्लिश. नेक्स्ट, डू वी यूज़ कंप्यूटर, यस वी और यू यूज़ कंप्यूटर. अगर तो क्या हम इंग्लिश क्या हम कंप्यूटर सीखते हैं इस्तेमाल करते हैं, तो अगर तो वो खुद ही उनसे पूछ रहे हैं तो फिर यस वो भी उसमें शामिल है जिससे पूछा जा रहा है. डू वी यूज़ इंग्लिश, जैसे कुछ क्या हम इंग्लिश क्या हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो ओके अगर उसमें वो एक बंदा है जो सामने वाला को दूसरे बंदे से पूछा जा रहा है तो वो फिर उससे उसके बारे में बता देंगे यस यू यूज़ कंप्यूटर. अगर वो खुद भी इसमें शामिल है तो फिर वो बताएगा यस वी यूज़ कंप्यूटर. इसी तरह नेक्स्ट है, अगर नहीं यूज़ करते तो नो वी डोंट यूज़ कंप्यूटर. या अगर वो सिर्फ जिस बंदे से पूछा जा रहा है वो उसमें शामिल नहीं है तो फिर वो बता देगा नो यू डोंट यूज़ कंप्यूटर. तो इसमें आ जाएगा नो जैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको कर लेंगे. सेंटेंस नंबर 4, डू आई सिट हेयर, तो सामने वाला बंदा बता देगा यस अगर तो आप उधर बैठते हैं तो यस यू सिट हेयर, और अगर नहीं तो नो यू डोंट सिट हेयर. नेक्स्ट है, डू यू लिव इन द सिटी, क्या आप इस शहर में रहते हैं, यस आई. अब इसमें भी वही बात है कि अगर तो पूछने वाला बंदा इसमें खुद शामिल है तो वो बताएगा यस वी लिव इन दिस सिटी, और अगर वो सामने वाला इसमें शामिल नहीं है तो फिर आ जाएगा यस आई लिव इन दिस सिटी. अगर नहीं है तो नो आई वी डोंट लिव इन दिस सिटी. एक ही आना है, दोनों नहीं आने. सेंटेंस नंबर 6 है, डू वी गो टू मास्क, अगर यस यस इसमें भी कोई बात, वी और गो वी और यू टू यू गो टू मास्क मस्जिद, और अगर नहीं तो फिर नो वी और यू डोंट गो टू मास्क. नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस नंबर 7, डू दे गो फॉर मॉर्निंग वॉक, अगर यस यस दे गो फॉर मॉर्निंग वॉक, और इसमें अगर नहीं तो नो दे डोंट गो फॉर मॉर्निंग वॉक. नेक्स्ट देखें सेंटेंस नंबर 8, डू आसिम एंड आमिर स्टडी इन दिस कॉलेज, यस आसिम एंड आमिर स्टडी इन दिस कॉलेज, और अगर नहीं नो आसिम एंड आमिर स्टडी डोंट गुजर गया यहाँ से. तो इसमें आपने देख लेना ये मिस्टेकनली ये नहीं लिखा गया, तो लिख देते हैं इधर, आप लिख लेंगे नो आसिम एंड आमिर डोंट स्टडी इन दिस कॉलेज. नेक्स्ट एंड सेंटेंस नंबर 9, डू दे वर्क इन दिस फैक्ट्री, तो अगर तो हाँ यस और तो फिर यस दे वर्क इन दिस फैक्ट्री, नो अगर नहीं तो नो दे डोंट वर्क इन दिस फैक्ट्री. नेक्स्ट देखेंगे लास्ट सेंटेंस हमारा, डू यू विजिट डिफरेंट प्लेसेस, यस अगर तो वही बात है, अगर तो वो बंदा खुद शामिल नहीं है तो फिर उसमें आई आएगा, अगर शामिल है तो वी आएगा, यस आई और वी विजिट डिफरेंट प्लेसेस, और अगर नहीं तो नो आई वी आई और वी डोंट विजिट डिफरेंट प्लेसेस. ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा इन प्रीवियस क्लास में जो हमने काम होमवर्क दिया था. अब चलते हैं देखें ज़रा
बेसिक सेंटेंसेस स्ट्रक्चर्स जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसी को ज़रा रिवाइज करके नेक्स्ट सीखने वाले हैं। सब्जेक्ट फर्स्ट हमने देखा था, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, और देन फिर ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट आएगा देन। अब देखें, आपको थोड़ा सा इल्म होगा पहले से कि वर्ब्स जो होते हैं, वर्ब्स उठना बैठना, सिट स्टैंड, वीपिंग वीप रोना, हंसना स्माइल, ये वो सारे जो वर्ब्स होते हैं इनको हमने वर्ब्स कहा जाता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। और वर्ब्स की फोर आपके पास फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है, ING वाली फॉर्म जो है। तो आज हम ये देखेंगे कि जो सेंटेंस हमने बेसिक स्ट्रक्चर सीखा हुआ है ये वाला, इसको भी आगे जो है ना वो हम मज़ीद आगे इसको डिस्कस करते होते हैं। तो एक सेंटेंस हम ये स्ट्रक्चर देखने लगे हैं जिसमें फर्स्ट पे सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, और नेक्स्ट जो है इसमें ये स्लैश है, ब्लैंक मतलब लाइनलेस आपके पास, इसमें यहाँ कुछ नहीं लिखा। तो इधर हम फाइव कंडीशंस हैं, फाइव टाइप्स कह लें, तो ये देखें फाइव्स, ये इन पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिस तरह का सेंटेंस होगा उस पॉसिबिलिटी को हम उस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो देखें इस तरह, ये पहले मैं इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। फर्स्ट पे है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हमारा जो है ना वो सेंटेंस, या ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट और वर्ब से ही कंप्लीट हो जाए, सब्जेक्ट और वर्ब से। तो फर्स्ट पे आपकी ये है, तो अगर इसी से कंप्लीट हो जाता है तो हमें ऑब्जेक्ट की इधर थर्ड जो ये वाली चीज़ है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखें इसकी एग्जांपल हम मैं लेता हूँ आपके सामने, ये नेक्स्ट नीचे देखें, ही रीड्स, फर्स्ट पे एग्जांपल है ही रीड्स, ही इसमें सब्जेक्ट है और रीड्स इसमें वर्ब है, ही रीड्स वो पढ़ता है। इसी तरह अनदर एग्जांपल मे बी डैट इज़ ही रन्स, ही रन्स वो दौड़ता है। तो ये देखें, ये हमने इस स्ट्रक्चर को जो लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग एग्जांपल की है अभी, ही रन्स ही रीड्स, ये देखें सब्जेक्ट है और फिर आपके सामने ये वर्ब है, और हमें इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने ब्लैंक है, कहीं लिखना पड़ेगा कहीं नहीं लिखेंगे, इसलिए मैंने इधर एक ब्लैंक लाइन लगाई हुई है। तो ये आप हमारे पास फर्स्ट होता है, और थोड़ा सा ये भी बात बताता जाऊँ, वर्ब्स की जो फॉर्म्स होती हैं वो हमें फर्स्ट की तो पता है फर्स्ट का, तो सेकंड जो है वो भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो अभी देखते हैं सेकंड, ये जो वर्ब है ना, वर्ब की भी टाइप्स होती हैं, आगे ट्रांजिटिव वर्ब होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। ऐसा चले, इधर बात आई थी मैंने कहा चले डिस्कस कर लेते हैं, इधर ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता उसे कहते होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। देखें इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट के बगैर हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट के बगैर इस सेंटेंस को कंप्लीट सीख लिया, समझ आ गई, सेंस इसकी बन गई है। तो सब्जेक्ट और प्लस वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब आ गया है। और नेक्स्ट देखें, ये इसका हमारे पास टू है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ये हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। ये सेंटेंस को तो, इस स्ट्रक्चर को तो हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है, इसकी सारी एग्जाम्पल्स भी हमने कर ली हुई हैं, इसकी भी एग्जाम्पल वैसे लिख दी है, ही रीड्स बुक्स, तो वो किताबें पढ़ता है, ये एग्जांपल इसकी मैंने इधर मेंशन कर दी है, सब्जेक्ट है वर्ब है ऑब्जेक्ट है उधर। अब देखें थर्ड जो इसका है, थर्ड सब्जेक्ट प्लस वर्ब और एडजेक्टिव भी हो सकता है कभी कभी, क्या हो सकेगा, ऑब्जेक्टिव। देखें कैसे हो सकता है, सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है ये हम देखेंगे हल्का सा, वैसे इधर मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, फिर नेक्स्ट हम इसको डिटेल से भी देख लेंगे। जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव जो हमारे पास होता है ये होता है जी, खूबी को बयान करते हैं, किसी खासियत को, कोई खराबी को, कोई किसी की अच्छाई को बयान करना, ये एडजेक्टिव होता है। तो देखें इसकी भी एग्जांपल है हमारे पास, देखें ये लिखा हुआ है ही इज स्मार्ट, तो देखें ये एडजेक्टिव है, ही इज स्मार्ट, ये एज अ वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब जो है एज अ वर्ब यूज हुआ है, और ये स्मार्ट ये आपके पास है जी एडजेक्टिव, ही इज स्मार्ट, ये आपके पास इसकी एग्जांपल है, ये हमारे पास एडजेक्टिव है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ रही है इस चीज़ की। नेक्स्ट देखते हैं एडजेक्टिव है, देखिए किसी खासियत है ना, वो बहुत होशियार है, तो ये खासियत बयान की गई है, उसकी खूबी खासियत
अच्छाई बुराई भी हो सकती है। अब नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस फोर की जाने। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की जगह इधर एडवर्ब भी हो सकता है। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होगा जो हमारे इस वर्ब को चेंज करेगा, वर्ब के अंदर कुछ ऐड करेगा, इसलिए इसे एडवर्ब कहा जाता है। तो देखें इधर एग्जांपल देखें, ही रन्स फास्ट, वो दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है इसके बारे में बताया हुआ है। ये जो वर्ब है, वर्ब में कुछ इजाफा किया हुआ है फास्ट, तो ये इसके बारे में बताया हुआ है, इसलिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब है, ये वाला वर्ड एडवर्ब है। आगे हमने फ्रेज भी पढ़ने हैं, एडवर्ब फ्रेज होगा, उसके अलावा क्लॉजेज होती हैं, बहुत कुछ होगा, तो ये आप सीखते जाएं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी अच्छे से समझ आएगा। तो ये आपके पास है एडवर्ब। एक रह गया देखें, ये डीज देखें, नेक्स्ट हमारे पास है फाइव, फिफ्थ स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा एंड देन नाउन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, ये हमने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी हैं। तो ये नाउन होगा, नाउन देखें कैसे हो सकता है, नाउन होता क्या है पहले ये तो देख लेते हैं। नाउन बेटा किसी प्लेस, किसी जगह का, कोई किसी चीज़ का नाम और किसी शख्स का नाम, ये इसको नाउन कहते हैं। नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग, डेट इज़ कॉल्ड नाउन। तो ये देखें नाउन, इसमें देखें He is a doctor। देखें ही सब्जेक्ट है, इज इसमें वर्ब है, आ डॉक्टर इसमें एक नाउन यूज हुआ है, किसी मतलब नाम है किसी का, तो ही इज़ अ डॉक्टर। इस तरह करके ये हमारे पास नाउन एज अ नाउन यूज़ हुआ है, तो ये फिफ्थ स्ट्रक्चर है। तो ये चार पांच आपके पास स्ट्रक्चर्स मैंने आपको लिख के बताए हैं, समझाए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छे से जो है समझ आया होगा। और आज के लेक्चर के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।